What does the grass say? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज बजट का दिन था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसे ही बजट खत्म हुआ, वन वे रैली हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। रिव्यू करते हैं सबसे पहले जो हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था। ये कुछ इस तरह से आज का सीनारियो है 10 मिनट के चार्ट में। फ्राइडे का वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग आज के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,757 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,591। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एग्जैक्ट निफ्टी ब्रेकआउट लेवल के पास हुआ, ओपन हुआ और जैसे ही ये चल रहा था बजट, तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 13,776 ये यहाँ पर अचीव हुआ। कुछ देर इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, फिर बाद में सेकेंड टारगेट 13,800 भी अचीव हुआ। और जैसे ही इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा था आर्ली चार्ट में, और भी तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली। तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो आज 33 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था रिव्यू एक फ्राइडे के एनालिसिस का। सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी के। ये डेली चार्ट है। आज जैसे कि यहाँ पर ये पैटर्न क्रिएट हुआ है, सेम पीवट बार रिवर्सल पैटर्न है जो हमने यहाँ पर देखा था। पीवट बार रिवर्सल प्रीवियस रेड कैंडल के हाई लो क्लोज के ऊपर यहाँ पर नेक्स्ट डे का कैंडल का हाई लो और क्लोज क्रिएट होता है, और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होता है, तो इसे पीवट बार रिवर्सल कहते हैं। हमने पास्ट में भी देखा है ऐसा पैटर्न आने के बाद नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में और अपसाइड मूव हमें देखने को मिलता है। तो अभी एक पॉजिटिव और एक बात है कि ये फिर से एक बार 20 EMA के ऊपर यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन जो हमने ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया था, इसका इसने सपोर्ट टेस्ट किया था यहाँ पर, और हो सकता है अभी ये रेजिस्टेंस का काम करे। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ से फिर से एक बार ओवरनाइट पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। तो 50 EMA के पास निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया है 50 EMA को, और यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक दिया करने की कोशिश की है। तो कल के लिए निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, आर्ली चार्ट पर चलते हैं। यहाँ से जो फॉल आया है, ये टॉप और ये बॉटम, इसको पकड़ के हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करें तो 61.8% का लेवल ये यहाँ पर अचीव हो चुका है, और लास्ट जो कैंडल बनाई ये काफ़ी वीक बुलिश कैंडल बनाए। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर यानी कल के हाई के ऊपर आप देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले आर्ली चार्ट में इस लेवल के आसपास ये कंटिन्यूस एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा था लगातार 4 घंटे। तो 14,337 के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स कल सस्टेन करता है तो इंट्राडे के लिए हम बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,360, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,386, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और इस कैंडल का ये जो लो बन रहा है यहाँ पर अराउंड 14,246 के पास, आप देख सकते हैं यहाँ से स्विंग लो बनाया है कुछ दिनों पहले। आर्ली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं स्विंग लो बनाए। तो ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में, यानी अराउंड 14,219 के नीचे सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,196, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और जस्ट ये जो 100 EMA का आर्ली चार्ट में आप ग्रे लाइन देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे अराउंड 14,171 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है। बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन लास्ट कैंडल यहाँ पर भी देखें तो इसने एक वीक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाया। तो इस कैंडल के ऊपर यानी 13,328 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 33,424, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 33,520, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा।
और निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो स्विंग हाई है यहाँ पर पास्ट में देखिए स्विंग हाई बनाया, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर फिर से ये सपोर्ट टेस्ट करे, तो इस लेवल को जब ब्रेक करेगा 32,841 को ब्रेक करेगा तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,754, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,642, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।